हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। हाँ बेटा, अब तक आपने जो कुछ भी किया है, एक ज़रा लास्ट क्लास रिकॉल कर लेते हैं। इन द लास्ट क्लास वी हैड सब ग्रुप्स। मैं थोड़ा सा उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक करने के लिए आपको पहले का सब कुछ आना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही ये बात करें कि ये वाला जो जो अपकमिंग टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स, वो किस पे टिका हुआ है, तो सिर्फ दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब अच्छे से। एक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा सब ग्रुप वाला टॉपिक, इसीलिए इसके जस्ट पहले कराया गया है। जस्ट लेट मी रिकॉल, एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली। सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन, एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच इज़ इट सेल्फ अ ग्रुप। दैट सिंपली मीन्स चार एग्जाम्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बताया मैंने वन स्टेप टेस्ट क्या होता है, टू स्टेप टेस्ट क्या होता है। वो बेसिकली आपके लिए टूल्स की तरह काम कर रहे हैं कि आप अपना कम समय में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर पाएँ, या कम चीज़ें दिखा के सब ग्रुप प्रूव करना। हेलो, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वन स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट, वो सब आपको क्लियर है? उन पे और क्वेश्चंस करेंगे, आगे कराऊंगा, बट अभी पहले इसको टच करते हैं। ये टॉपिक भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल टॉपिक है, गजब टॉपिक है। आइए, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो उसके लिए पहले देखो, ध्यान से देखो। डेफिनेशन, लेट ए बिलोंग्स जी एंड डिफाइन ब्रैकेट ए। नाउ व्हाट इज ब्रैकेट ए? ब्रैकेट ए इज ए पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू दैट। अब भाई इस पे 10 मिनट तो इसी पे लगाया जाए। जरा पिक्चर देखिए आप लोग, एक ग्रुप लिया है आपने, सिर्फ एक एलिमेंट ए से शुरू करते हैं। लेट अस नॉट टॉक अबाउट आइडेंटिटी, यू नो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, आपको ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी बोला गया। अच्छा, अगर मैंने ए से शुरू किया मेरे प्यारे बेटा, तो ज़रा क्लोजर लगाएंगे। क्लोजर तो सर ए और बी दो एलिमेंट्स होने चाहिए, तब लगेगा। दो क्यों, इसी पे लगा दो ना, ए और बी दोनों को बराबर ले लीजिए। तो इसी पे रिस्पेक्टिवली आप क्लोजर्स लगाते जाएंगे सक्सेसिवली, तो ए से ए स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। हेलो, होगा ए ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज, हाँ यू नो ए ए स्क्वायर से ए क्यूब प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा। ए फोर प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली। बट ये तो ग्रुप है ना, अगर ये ग्रुप है तो बेटा ए के लिए ए इनवर्स भी होना चाहिए, ए स्क्वायर के लिए ए माइनस टू भी होना चाहिए, ए माइनस थ्री भी होना चाहिए, ए माइनस फोर भी होना चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर दिख रही है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर दिख रही है, और आप सबको पता है आइडेंटिटी इज जीरो पावर, तो ई इज ए पावर जीरो। बेटा जी, ज़रा सोच समझ के बात करिएगा, आप ही से बोला जा रहा है। हाँ जी, हमारा आपका और हमारा शुरुआती पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट सिर्फ ये था, बेटा हमने सिर्फ एक एलिमेंट ए से शुरुआत की, एंड वी आर एबल टू राइट, एबल टू प्रोड्यूस एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ, हमें राइट कहाँ से शुरू किया था, फिर पूछ रहा हूँ, ए से, ए से शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ ए, सब सारा चार्ट आ गया। एक मिनट, ये वाला काम तो बी में भी हो जाएगा, वो करते ही तो नहीं है आप। आइए सर, एक एलिमेंट बी से शुरू करते हैं, क्लोजर लगाएंगे तो बी स्क्वायर, फिर इनवर्स लगाएंगे तो बी इनवर्स, बी माइनस टू, बी माइनस थ्री, और इसका जीरो पावर तो हमेशा है ही आपके पास। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट क्या था? बी विद द हेल्प ऑफ, ये सब समझ गए। एक एलिमेंट ग्रुप में घुसते ही उसकी सारी इंटीग्रल पावर भी ग्रुप में चली जाएंगी, आप रोक ही नहीं सकते। ए से एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ है ए पावर एन, बी से एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ है बी पावर एन। हेलो, क्लियर है? तो इस टॉपिक का यही बेस है, यही मोटिवेशन कहते हैं ना बड़े बड़े लोग। देखिए, ये अभी देखा आपने कि जैसे ही ए आया वैसे सारे इंटीग्रल, तो ए की सारी इंटीग्रल पावर कलेक्ट कर लीजिए और उसको नाम दीजिए ब्रैकेट ए। सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं, बहुत कुछ सुनना है। इसी तरीके से बी लिया तो बी की सारी इंटीग्रल पावर कलेक्ट करके नाम दीजिए ब्रैकेट बी, उसी तरीके से ब्रैकेट सी या ब्रैकेट एक्स आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, व्हाट इज ब्रैकेट है? आइए जरा, अगर बच्चों की तरह इसको ओपन भी किया जाए तो ये मिलेगा ए पावर जीरो, ए पावर वन। अब मुझे बताओ, हाँ जी, ऐसा सेट पक्का एग्जिस्ट तो करेगा ना हर एक एलिमेंट के लिए। हेलो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, अब इसको मैंने जिसको ब्रैकेट ए बोला है, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे साइक्लिक है, इट इज रिटन एज, ठीक है, साइक्लिक है, दिस इज साइक्लिक भी। वाई साइक्लिक? अभी अभी करते हैं, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी। पहले इधर आइए जरा पिक्चर में, बहुत कुछ बताना पड़ता है यार। ब्रैकेट ए कंटेन्स व्हाट, ब्रैकेट बी कंटेन्स व्हाट, ब्रैकेट सी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा यहाँ आएगा इंटीग्रल पावर ऑफ ए,
यहाँ आएगा इंटीग्रल पावर ऑफ बी, यहाँ आएगा इंटीग्रल पावर ऑफ आर। ये रैशनल रैशनल नहीं होना चाहिए और इरेशनल पावर भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पावर शुड बी इंटीग्रल। अच्छा सो अब के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट ए। अब सिंपली बोल दीजिए एक्स इज सम पावर ऑफ ए, ये चल जाएगा भाई। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस यस सर। ना, बढ़िया। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी आइए सर मेरे साथ। ऑब्जर्वेशंस आर कमिंग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 250 ऑब्जर्वेशंस आर कमिंग। सही सुना आपने जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, ज़रा ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, ई हमेशा ब्रैकेट ए में बिलोंग करेगा। अभी आपको बोला गया था ब्रैकेट ए में बिलोंग करने के लिए एलिमेंट शुड बी सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, तो ई क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज ई कैन बी रिटन एज, लॉजिक लगाइए, ए पावर जीरो। हेलो, लिख सकते हैं? लिख दिया बेटा मैंने। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, अगर साइक्लिक है तो उसमें ए तो आएगा ही, वही बिगिनिंग पॉइंट था। बाकी प्रॉपर रीजन देखिए, ए कैन बी रिटन एज ए पावर वन, दिस बिलोंग्स टू ब्रैकेट ए। नंबर थ्री जी, सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैंने लास्ट क्लास दी है आपको, क्या लिखा है बेटा जल्दी से पढ़ लीजिए। ब्रैकेट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ब्रैकेट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। रीजन, अगर एक्स वाई इसके पास है तो क्या एक्स वाई इनवर्स आप दिखा सकते हैं? अभी दिखा लेते हैं, ये वन स्टेप टेस्ट से कह रहा हूँ मैं। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा, जरा इधर तो आओ, मैं पूरा प्रूफ लिख रहा हूँ आपके लिए। सॉरी, थर्ड पॉइंट का प्रूफ लिखा जा रहा है, साथ आ जाइए। एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट ए में, दिस इम्प्लाइज एक्स टेक्स द फॉर्म ए एन, वाई टेक्स द फॉर्म ए एम, हाँ जी दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स टेक्स द फॉर्म, क्या जल्दी है, आराम से लिख लो। क्या ये अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा? हाँ तो बोल दो। हेलो, आर यू देयर? हाँ यस जी, यस एन और एम इंडिविजुअली इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। सो टेल मी, इज दिस एक्सप्रेशन सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए? इज इट सम पावर ऑफ ए? नहीं, इज इट सम इंटीग्रल पावर ऑफ? हाँ बोलो। यस सो दिस इंप्लाई सिंस एन माइनस एम इंटीजर, बहुत बढ़िया, तो ये आ गया आपका सब ग्रुप, हो गया, तो थर्ड पॉइंट तक तो हो गया। नंबर फोर, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखने बताने से पहले ये लिखो, बिकॉज ये सारा रब करना पड़ेगा ऑल ऑफ यू। जब कंप्लीट हो जाएगा तो कर दो प्लीज क्या कह रहे हैं? सर, एक बार फिर से देखो। ये थर्ड पॉइंट, यस सर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ध्यान दीजिए। ब्रैकेट भी शो कर देते, शो दैट हाँ जी। एग्जाम नंबर वन, जो लास्ट क्लास में आपने वन स्टेप टेस्ट टू स्टेप टेस्ट किया था, टू स्टेप टेस्ट से कर लेते हैं। टू स्टेप टेस्ट में पहला एग्जाम क्या होता है जी? क्लोजर, सेकंड इनवर्स। आओ, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ब्रैकेट बी, दैट इज एक्स टेक्स द फॉर्म वाई टेक्स द फॉर्म बी एन, वेयर एन एन एम आर इंटीजर्स, दैट इज एक्स वाई टेक्स द फॉर्म बी। बनेगा या नहीं बनेगा? इज इट सम इंटीग्रल? इंटीग्रल पावर हो तो क्या दूसरे पे आई इनवर्स? अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट बी में, दिस इंप्लाइज एक्स इज ऑफ द फॉर्म बी एन, व्हाट इज एक्स इनवर्स? पता नहीं, पूरा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपको पढ़ा दिया, और आपको सबको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ या ना? यस और नो? यस सर। एन इंटीजर है तो इज इट सम इंटीग्रल पावर? हाँ, माइनस एन में तो इंटीजर ही होगा। हेलो, अब बोलो, क्लोजर आ गया, इनवर्स आ गया, आ गया, आ गया या नहीं है? टेल मी। यहाँ लिखना मत भूलिएगा, अभी कॉपी करने के चक्कर में क्यों है भाई, जब आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल ही जाती है, क्या करोगे कॉपी करके? हाँ समझ भी लो थोड़ा सा, इसी से तो तुम्हारा काम होना है। वापस आ रहे हैं, ये प्रूफ, ये इज दिस प्रूफ क्लियर? यस सर। वेट, यस सर।
ये वन स्टेप टेस्ट से कर दिया, आप टू स्टेप टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो भी है लगा लीजिए, कर लीजिए पहले, कंप्लीट कीजिए पहले, कंप्लीट हो जाए तो बता दीजिए। कहाँ तक बड़ी गाड़ी या स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट जी, हम ब्रैकेट ए के बारे में बात कर रहे हैं, साथ दीजिए। ये स्टूडेंट्स आपने क्या क्या शो किया है अभी, छोटा सा ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन ये भी डिस्कस करने लायक है। आओ ब्रैकेट है, आपने पहले इसका ओरिजिन देखा कि सच में हर एलिमेंट के लिए ब्रैकेट, उसका उसका साइक्लिक डिफाइंड होगा, साइक्लिक है, उसके एलिमेंट्स कैसे इंटीग्रल पावर्स होते हैं। पहला आइडेंटिटी ज़रूर कंटेन करेगा, दूसरा वो एलिमेंट ज़रूर कंटेन करेगा जिससे बना है ऑब्वियसली, तीसरा ये तो सब ग्रुप है, अरे वाह भाई वाह, यानी हर हर एलिमेंट के साथ एक सब ग्रुप एसोसिएटेड है मुफ्त में, आज से पहले कहाँ छुपा हुआ था बेटा। एक एलिमेंट ए लिया तो ये अपना सब ग्रुप जनरेट करके करके देगा या बना के देगा एक तरह से, ये पूरा ब्रैकेट है एक ही हेल्प से तो बना है, तो जनरेटर की तरह समझ लीजिए। हाँ जी, ब्रैकेट चाहे किसी का भी हो, साइक्लिक चाहे तुम्हारा हो, मेरा हो, पड़ोसी का, किसी का भी हो, ऑलवेज अ सब ग्रुप। कैसे सर? अरे सामने प्रूफ लिखा था अभी, समझ में आ गया। आज के बाद इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी, तो क्या हो गया या क्या होगा, बोलो भैया, ध्यान रखिएगा सब ग्रुप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका असली वाला नाम सुनिए, असली वाला नाम मतलब देखो, छुपा हुआ नाम था, ये वाली लाइन देखिए भाई। यस, मैंने आपको बोला इसको पढ़ेंगे आप साइक्लिक है, अब साइक्लिक है ना बोल के आप पूरा देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय, जनरेटेड टर्म बिल्कुल न्याय संगत है, तर्क संगत है। एक्चुअल में अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ जो ए ए स्क्वायर ए क्यूब वो सब जो पावर्स आ रही थी ए की हेल्प से ही तो आ रही थी, तो क्या ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट इसका बेस ए नहीं है क्या? हर एक एलिमेंट ए की हेल्प, तो ए इज जनरेटिंग द होल सेट, दैट्स द पॉइंट। लाइकवाइज इसको बी जनरेट करेगा, इसको सी जनरेट करेगा, तो दिस शुड बी क्लियर। तो आज के बाद आप साइक्लिक ए भी कह सकते हैं या साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए भी कह सकते हैं, जो भी बोलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट जी, टू बी मोर स्पेसिफिक ऑल ऑफ यू, ये क्या चीज है? साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय cyclic subgroup generated by C, what is this? cyclic subgroup generated by B, okay? गायब हो गए? नहीं सर, नहीं। ये क्या चीज है? cyclic subgroup बोलो cyclic subgroup generated by A, now what is this? साइक्लिक सब ए बी, नहीं ए बी, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स, ग्रेट। नंबर 5,
सही है, कमाल की चीज। अबेलियन का मतलब दो एलिमेंट्स को म्यूट करने चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इधर स्टेटमेंट पड़ी है, नोटिस कीजिए। क्या नोटिस करना है सर? मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, यहाँ तो जी के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर बच्चा ये सोच रहा है कि जी अबेलियन होगा तो ब्रैकेट अबेलियन, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ये जो पोर्शन है, हाँ ये जो पोर्शन है, ये दिस इज ऑलवेज अबेलियन सर जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जी, भले ही जी नॉन अबेलियन हो। बात समझ में आई? हेलो, यस अभी अभी सॉल्यूशन देखिए कैसे आएगा। सॉल्यूशन ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। तैयार, कमर कस के तैयार हो जाओ तुम लोग। सॉल्यूशन देखो, अगर ये अबेलियन है तो इसके हर पेयर आपस में कम्यूट करना चाहिए। क्या ये एक्स वाई भी कम्यूट करेगा? देखते हैं। Suppose x and y belongs to bracket A, we arbitrary elements. Therefore x takes the form, y takes the form. बेटा ये आपका incomplete माना जाएगा अगर आपने यहाँ for some m comma n belongs to z नहीं लिखा तो, क्योंकि power तो rational power भी हो सकता है, irrational power भी हो सकता है। Integer लिख देना यहाँ पे जैसे लिखते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, that is, जरा अपने श्री मुख से फरमाइए, what is x y? हाँ हाँ हाँ, m प्लस n, क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं? बोलते काहे नहीं? Yes sir. अब क्या बन गया है? बोलो, is it true? Is it true? All of you, is it true for every pair x y in bracket A? बोलिए। Yes sir. तो यहाँ यहाँ ये छोटे से पार्ट से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाइए तो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा सब ग्रुप ही अभिलियन हो गया। हाँ जी, आप सबके लिए खुशखबरी, ये जो साइक्लिक सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो है ही, कैसा सब ग्रुप है? अबेलियन सब ग्रुप है। तो एक ग्रुप के पास इतने सारे दुनिया भर के अबेलियन सब ग्रुप्स भरे हुए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज को, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे ही होगा और ऐसे ही होता है। मान लीजिए ये ग्रुप भाई साहब नॉन अबेलियन, मान लिया आपने, ठीक है सर मान लिया भाई। अगर ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है तो भी इसके पास कुछ एक आध एलिमेंट तो, अगर आइडेंटिटी के अलावा बात करें, कोई एक आध एलिमेंट तो होगा। मान लीजिए इसके पास ए है, इसके पास एक्स है, इसके पास पी है। बेटा ए से ब्रैकेट ए जनरेट होगा, उसको तो कोई पावर नहीं रोक सकती। एक्स से ब्रैकेट एक्स जनरेट होगा, उसको भी कोई पावर नहीं रोक सकती। और लाइकवाइज पी से ब्रैकेट पी जनरेट होगा, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, हालांकि ग्रुप आपका नॉन अबेलियन था, लेकिन इसका ये वाला पार्ट ऑल ऑफ यू अब करेंगे ना, क्या करेंगे सर? कलर, ये वाला पार्ट देखो, होली आने वाली है, ये वाला पार्ट। ये अबेलियन हो जाए। कौन सा कलर करें? चलिए फरमाइए, क्या क्या बताया मैंने आपको? भी क्या नाराज हो गए क्या? लोग चाहे अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो, लेकिन जो उसका सब ग्रुप है जो साइक्लिक सब ग्रुप है, हाँ साइक्लिक सब ग्रुप, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्रूफ आपके सामने है, लिख लीजिए। Next thing. I'm sorry. साइक्लिक ग्रुप क्या होता है?
अभी अभी प्लीज हाँ, थोड़ा क्या कहते हैं, क्लियर क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए टर्म में, साइक्लिक सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप. नाउ व्हाट इज द साइक्लिक सब ग्रुप? ये इस तरह के मेंबर्स, ब्रैकेट ए, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट सी, ये सारे पार्ट हैं जी के. तो जी के सब ग्रुप्स हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं. अब ग्रुप कब साइक्लिक होगा, ये तो राक्षसों वाला काम होने वाला है. देखिए, अ ग्रुप जी साइक्लिक इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ मेंबर सच दैट एंड समझने का बड़ा ही मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ लिख दिया गया है आपके सामने. प्लीज सी, एक ग्रुप लीजिए जी. अभी आप पढ़ रहे थे सब ग्रुप का साइक्लिक होना या साइक्लिक सब ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ये दिस थिंग दैट थिंग. अब कह रहे नहीं, ये ग्रुप ही साइक्लिक है. अगर ये ग्रुप साइक्लिक है, प्रैक्टिकली बताइए, आप लोग, आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो भाई, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप तो ऐसी शक्ल का होना चाहिए, एम आई राइट? हेलो, यहाँ एलिमेंट लिखना है, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, लेकिन आप कुछ भी लिखेंगे वो एलिमेंट आएगा तो जी से ही, एम आई राइट? पढ़ो, अ ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली, ये पूरा ना पढ़ के सिर्फ इतना पढ़िए, जी इज ब्रैकेट ए, अ ग्रुप एच इज, या एच इज साइक्लिक सिंपली, या एच इज इक्वल टू ब्रैकेट बी, कुछ भी चीज साइक्लिक है वो ब्रैकेट के बराबर होना चाहिए, दैट्स इट. हाँ जी, इन दिस केस ये है असली चीज, इन दिस केस अबव ए बिलोंग्स टू जी इज नोन एज अ जनरेटर ऑफ जी. सर, जनरेटर ऑफ जी या जनरेटर ऑफ ब्रैकेट? अरे भैया, जो इसको जनरेट कर रहा है वही तो इसको भी जनरेट करेगा, एम आई राइट? इसको कौन जनरेट कर रहा है? सब कुछ कहाँ से आया था? ए से. तो इसको भी तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट देख लो, लिखो ऑल ऑफ यू, डन. डांस नेक्स्ट, ये आगे बहुत सारा काम करना है. देखिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट तक आपको समझ में आ गया है, छठा पॉइंट एकदम से चेंज ला सकते हैं आपके अंदर. अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप साइक्लिक हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर बात करेंगे. आर यू रेडी? यस सामने देखो, मान लीजिए जी ग्रुप लिया आपने, एच ग्रुप लिया आपने, के ग्रुप लिया, सब ग्रुप लिया, एल सब, ये तीनों सब ग्रुप हैं. मैं कह रहा हूँ जी साइक्लिक है, ऑल ऑफ यू. आई एम सेइंग एच इज ऑल्सो साइक्लिक, आई एम सेइंग के इज ऑल्सो साइक्लिक, एंड एल इज नॉन साइक्लिक. एल, चलिए एल को भी साइक्लिक ही बना देते हैं, तो साथ देना ऑल ऑफ यू, साथ दो. अगर जी साइक्लिक है तो ऐसा होना चाहिए, एच साइक्लिक है तो ऐसा होना चाहिए, के साइक्लिक है तो वो भी ऐसा होना चाहिए, एल साइक्लिक है तो ऐसा होना चाहिए. अब ऐसा होगा तो किसी ना किसी एलिमेंट से तो बनेगा ना. यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ डी लिख दो. ये बात समझ में आ गई, किसी भी चीज़ का साइक्लिक यस साइक्लिक होना या नहीं, वो किसी ब्रैकेट के बराबर है. नंबर टू, ध्यान से देखिए भाई, बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं कि साइक्लिक हो गया नॉन साइक्लिक हो गया, लेकिन उसके ऊपर ये ज़रा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कब साइक्लिक है कब साइक्लिक नहीं. बेटा ज़रा यहाँ आना, ऑल ऑफ यू. हाँ जी, साइक्लिक होने के लिए जी और ब्रैकेट ए बराबर होने चाहिए. प्रैक्टिकली बताइए जरा आप सभी लोग, अगर जी ब्रैकेट ए के बराबर है तो आप मानते हैं जो इधर है वो उधर है, जो उधर है वो इधर है, यानी जितना जी का ऑर्डर है उतना ही ए का ऑर्डर होगा, तभी तो ये बराबर होंगे एलिमेंट एलिमेंट. यस दिस इज फाइन, दिस इज समथिंग. हाँ जी, ये है पहचानने का तरीका. जस्ट वेट, ऑर्डर की बात फाइनाइट में ही करना अच्छा है, इनफाइनाइट में करने का कोई सेंस नहीं. फाइनाइट के बारे में बात हो रही है, एक फाइनाइट ग्रुप कब साइक्लिक होगा, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे. यहाँ क्वेश्चन नहीं रेज करना है, सिर्फ समझना है. ऑल ऑफ यू, थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी को भूल जाइए. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ग्रुप का ऑर्डर जो है मेरे प्यारे प्यारे बेटा, इसका ऑर्डर 6 है, ध्यान से सुनिएगा. चलिए 4 ले लेते हैं,
सिक्स पे ही बात करते हैं, इसका ऑर्डर सिक्स है। अगर इसका ऑर्डर सिक्स है तो यहाँ छः छः एलिमेंट्स होने चाहिए। आइडेंटिटी पे बात नहीं कर रहा आपको, खाली दिखा रहे ए बी सी डी, मान लो ये छः एलिमेंट्स। अच्छा जी, इसका ऑर्डर मैंने बोल दिया दो है, इसका ऑर्डर तीन है, इसका दो है, इसका भी दो है, इसका तीन है, इसका भी तीन है। हाँ जी, अगर ये सिनेरियो है कि ग्रुप में छः एलिमेंट्स थे और उन छः का ऑर्डर इस तरीके से डिफाइंड है, तो क्या ये भाई साहब साइक्लिक हो सकते हैं? एग्जामिन कर लेते बच्चों की तरह। अगर ये साइक्लिक होता तो ये किसी ना किसी ब्रैकेट से जनरेट हो जाता। हाँ जी, उस ब्रैकेट में इन्हीं में से चॉइसेस आ सकती हैं बेटा, या तो ये आएगा ब्रैकेट है। अगर ये ब्रैकेट है बनेगा तो जितना जी का ऑर्डर था उतना ए का ऑर्डर होना चाहिए था, ए का ऑर्डर तो दो है और जी का ऑर्डर सिक्स था, तो ये तो इक्वल नहीं होगा क्या? इसी तरीके से ब्रैकेट बी के बराबर हो सकता है। जल्दी से श्रीमुख, श्रीमुख से कुछ बताइए, इसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर तो मैच ही नहीं कर रहा। हेलो, कुछ सुन रहे हो? जब तक जी का ऑर्डर किसी एलिमेंट के ऑर्डर से मैच नहीं करेगा तब तक साइक्लिक कैसे होगा? समझ में आई बात? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अब बताइए जी, किस किस के ब्रैकेट के बराबर हो सकता है? ब्रैकेट ए नो, ब्रैकेट बी नो, ब्रैकेट सी नो, ब्रैकेट डी, ब्रैकेट डी, यस यस, जी इज ब्रैकेट डी एंड द सेम जी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, ध्यान रखिएगा। तो एक फाइनाइट ग्रुप के लिए पहचानना बड़ा आसान है, बस ये ढूंढ लो कि ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बैठा हुआ जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अब लिखिए जरा एक नोट ऑल ऑफ यू, अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ द इक्वल ऑर्डर। लिख लिया, अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक, अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इक्वल ऑर्डर। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम, ये इसका आंसर नहीं दे पाएंगे पहले, यहाँ यहाँ देखेंगे। आओ आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? म्यू एट देखो, ध्यान से देखो, व्हाट इज म्यू एट? अब भाई मैं रिकॉल तो नहीं करके बताऊंगा आपको, 1 3 5 7 ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, 1 3 का ऑर्डर 2, 5 का ऑर्डर भी 2, 7 का ऑर्डर भी 2, याद है ना? मना तो करना मत, याद है? हाँ जी, इसको साइक्लिक बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए, इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं म्यू एट में, आप समझ लीजिए प्लीज। इस ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं या इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो यहाँ बेटा अगर आप ब्रैकेट एक्स लिख रहे हैं तो एक्स का ऑर्डर भी 4 होना चाहिए। नहीं, अरे बोलो ना यार, क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 है इसमें? नहीं है ना, साइक्लिक होगा क्या? नहीं नहीं होगा। जरा म्यू 10 पे आइए, जस्ट वेट सर, ये लिख लें, कुछ नहीं लिखना है, लिखते ही रह जाना, चुपचाप सुनो। म्यू 10 के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? 1 3, थैंक यू, इसका ऑर्डर 1, इसका 4, इसका भी 4 और इसका 2। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, किस किस से बन सकता है, किस किस से बन सकता है? लाइक गधों 3 से बन जाएगा, और किस से बन जाएगा? तो उसके दो जनरेटर्स हैं 3 एंड 7। चलिए फाइन, मैं अब लिखवा रहा हूँ इधर साथ। हाँ जी, ऑल ऑफ यू, यू कैन राइट। एग्जाम में डायग्राम बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, लिखने से मिलेगा। लिखिए, चलिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना? हेलो, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 3 इज ऑर्डर ऑफ 5 इज ऑर्डर ऑफ 7 इज 2। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। So this implies mu 8 for any x. वाह, ऐसे लिखना है? This implies cyclic या non-cyclic? Non-cyclic. Non-cyclic.
हाँ जल्दी लिख डालिए सब कुछ। ये स्टेप वन टू लिख दीजिएगा, स्टेप वन स्टेप टू। भाई मेथड समझ में आ गया, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मेरे तो वो टाइम ख़त्म होने वाला है ना एक क्लास का। हाँ बोलो। से यस मैथ, मैं कह रहा हूँ मेथड। हाँ कुछ कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, हार्ट अटैक होने वाला है। एक और एग्जांपल दे। हाँ अभी वो तो देंगे। एक मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया सिंपल, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक का, और कैसे प्रेजेंट करना है वो बताया आप। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट वेट कर जाइए, वो टाइम देख रहा हूँ मैं, साथ ही है। देखो भाई एवरीवन, हाँ जी बच्चा पार्टी, दोनों का डायग्राम देखिए। कुछ लोग कॉपी करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा, क्या करोगे यार इतना कॉपी करके, बस भी करो। जेड फोर में फोर एलिमेंट्स है, 0 1 2 3। हाँ जेड सिक्स में 0 1 2 3 4 5। बस आपको ऐसा एलिमेंट देखना है जिसका ऑर्डर सिक्स हो जाए, ऐसा एलिमेंट देखना है जिसका ऑर्डर फोर हो जाए। ओहो ओहो ओहो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ वन, कितने टाइम्स ऐड करेंगे कि फोर आएगा, नालायक कहीं। बोलिए इधर आइए। हाँ जी यहाँ इसका ऑर्डर कितना, कितने बार ऐड करोगे, आया सिक्स समझ में। जस्ट वेट, सिक्स जेड फोर इज साइक्लिक, जेड सिक्स इज साइक्लिक, जेड सेवन ब्रैकेट वन, जेड एट ब्रैकेट वन, जेड नाइन ब्रैकेट वन, ब्रैकेट वन तो हमेशा बैठा हुआ है। आउट ऑफ म्यू एन एंड जेड एन, जेड एन्स आर ऑलवेज साइक्लिक, म्यू एन नीड नॉट बी। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं अभी लिखवा दूंगा आपको प्रॉपरली, बट बिकॉज क्लास ख़त्म ना हो जाए उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, दो तरह के ग्रुप्स आपने किए हैं, एक एडिटिव में एक मल्टीप्लिकेटिव में। एडिटिव मॉड्यूल एन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल एन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल एन में पिछला एग्जाम्पल था म्यू एन का। म्यू एट साइक्लिक नहीं है लेकिन म्यू 10 साइक्लिक है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या हम ये कह दें म्यू एन इज ऑलवेज साइक्लिक, आंसर इज नो। सो म्यू एन नीड नॉट बी साइक्लिक, ये है ठीक। म्यू एन इज नेवर साइक्लिक, वो भी नहीं है बिकॉज समटाइम्स तो होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, यस मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा साइक्लिक है और ऐसा भी नहीं है कि कभी साइक्लिक नहीं है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ। ये जेड एन तो कभी भी नहीं रुकेगा, यस जेड एन कभी नहीं रुकेगा, जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक। बहुत बढ़िया भाई, तो कमाल ही हो गया। यस व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, हाँ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ जेड टू, टू ऑर्डर ऑफ जेड, जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, जेड, हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया। सो देयर इज अ साइक्लिक ग्रुप फॉर एवरी ऑर्डर एन, एम आई राइट। जेड टू इज साइक्लिक ऑर्डर टू, जेड थ्री इज साइक्लिक ऑर्डर थ्री, जेड फोर इज साइक्लिक ऑर्डर फोर। हर एन के लिए जेड एन बैठा हुआ है जो साइक्लिक है। 2023 चल रहा है, जरा 2023 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताइए, बताइए अरे रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ शर्म करो। कल को कोई सुनेगा क्या कहेगा कि टीचर पढ़ा रहा है बच्चे जवाब नहीं दे रहे। दो ये मैसेज कर रहे हैं, 2023 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप। ये स्टूडेंट्स दिस इज नॉट गुड।
पता क्या बोला इन्होंने, Z 2023 व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ ऐसे मत करो यार, Z2 का ऑर्डर 2 है, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 2। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू पीपल, आंसर नहीं करते हैं आप लोग, बहुत गलत बात। हाँ जी, Z 2023 इज अ साइक्लिक साइक्लिक सर्कल ऑफ ऑर्डर कितना, तो ये बोलना था आपको, अभी टाइम खत्म हो जाएगा उसके पहले। हाँ ये बोलना चाहिए ना, इधर उधर की बातें करोगे खाली आ जाते हो सिलेबस खत्म करने। भैया ऐसे ऐसे हमने नहीं पढ़ाया कभी भी, क्योंकि तो मेरे क्लास में आया करें ना, ढंग से संभल के आया करें। आइए जरा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ थ्री, और किसी का नहीं है, इज इक्वल टू फोर, देयरफॉर Z4 इज इक्वल टू ब्रैकेट वन एंड ब्रैकेट थ्री बोथ, दैट इज Z4 इज साइक्लिक विद जनरेटर्स। क्या क्या जनरेटर्स हैं, कल को कोई रिकॉर्डिंग में सुनेगा क्या बोलेगा, देखिए कैसा टीचर है, पढ़ा रहा है बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बहुत बहुत बेकार टीचर है। बताओ जरा आपको कोई इज्जत का ख्याल व्याल है नहीं है, इनाम डुबाओगे और मजाक नहीं कर रहा मैं, सही कह रहा हूँ भाई, ऐसा बुरा तो नहीं पढ़ा रहा भाई। रेस्ट आप खुद लिख लीजिए, क्लियर हो गया। यस सर, लिख ऐसे लिख। तो आउट ऑफ जेड एन एंड न्यू एन कौन से वाला सेट हमेशा साइक्लिक होता है, कौन सा ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, जेड एन म्यू एन नीड नॉट बी साइक्लिक। अब मीटिंग एंड हो रही है, मीटिंग एंड हो रही है, अब हम कल मिलेंगे, इतना आप पढ़ के आइए। सर बहुत छोटी क्लास हुई बेटा, ये छोटी क्लास नहीं है, कंटेंट देखिए किस लेवल का किया है आपने, गलत तो नहीं कह रहा। इसको इसको करके आना, लास्ट क्लास में हमने सब ग्रुप किया था, एकदम से इतना सारा पढ़ा दूं मैं आप कराओ वो संभव नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे ये सारा कुछ लेकिन करके आइएगा। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, उसमें सब ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, अभिलिन शबिलिन सब हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, जितनी ग्रुप्स की स्पेशली अपने क्लासेस की। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।